भैंस की चर्चा, बकरी सुअर की चर्चा, इसमें किसी पोल्ट्री में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी को अफवाह फैलाने की जरूरत। सर राहुल गांधी ने कहा है जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई, उनको वैक्सीन लगाना है तो वो बता दें कौन से सेंटर पर लगाएंगे। हर सेंटर पर पोस्टर टंगा हुआ है, लोग जाएं, वैक्सीन लगाएं। और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेटेड देश बन गया है। इसलिए जिनको केवल नकारात्मक बातें करनी है, जब पूरी दुनिया में चेचक खत्म हो गया, पोलियो खत्म हो गया, 23 वर्ष के बाद हम ले आए थे वैक्सीन। ये तो देश के वैज्ञानिकों को हम धन्यवाद देंगे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को धन्यवाद देंगे, जो चलते पूरे दुनिया में अपना वैक्सीन दो ले आया कोरोना के खत्म होते होते ट्रायल में। यही लोग थे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री कहते थे कि ये ट्रायल सुअर बकरी समझ लिए हैं, कोई कहते थे हम नहीं लेंगे बाबा ये पार्टी की बीजेपी की वैक्सीन। वैक्सीन डॉक्टर ने बनाया और नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देश को पूरी दुनिया सराहने का काम कर रहा है कोरोना मैनेजमेंट। सर यह जैसे कहा है कि हम 6-6 साल शासन करेंगे, 20 उपमुख्यमंत्री बनाएंगे, AIM ने यह कहा है कि जो उपमुख्यमंत्री के पद है वो मुस्लिमों के लिए रिजर्व करने चाहिए, क्या कहें? मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, इतना ही कहूंगा ओबेसी देश की सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहते हैं, लोगों में जाकर के भ्रम फैलाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। ABP News आपको रखे आगे।